हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड ट्रेजर बाय शेफ मधुला। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक हिंट दी थी जिसमें मैंने बताया था मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेके आ रही हूँ जिसमें मैं बेकरी की रेसिपीज, बेकरी की थ्योरीज सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का ये वीडियो है बेकरी की थ्योरीज जानने के लिए। तो बट उससे पहले मेरे ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे बेकरी होता क्या है, कन्फेक्शनरी होता क्या है, ये दोनों कैटेगरी के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, ये दोनों कैटेगरी में डिफरेंस क्या है और ये सब प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। तो चलो इस वीडियो का हम सीखेंगे बेकरी होता क्या है। बेकरी एक व्यवसाय को कहा जाता है जिस व्यवसाय में फ्लावर बेस्ड बेक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और उसको वहीं पे सेल किया जाता है। ऐसे एस्टैब्लिशमेंट को बेकरी कहा जाता है। बेकरी कई नामों से जानी जाती है जैसे कि बेक शॉप हो गया, बेक हाउस हो गया। ये बेकरी में तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि ब्रेड्स हो गया, पेस्ट्रीज हो गया, कुकीज़ हो गया, कई केक्स हो गए हैं। देखते हैं बेकरी की हिस्ट्री। बेक प्रोडक्ट की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। बेकिंग करना एक तरह का आर्ट है। ये आर्ट हर किसी के बस की बात नहीं और ये बेक करने की आर्ट रोमन साम्राज्य से चालू हुई अराउंड 300 BC। तब से हर कोई बेकिंग सीखना चाहता है। अराउंड 168 BC ब्रेड्स हर रोम के गांव-गांव में, घरों-घरों में बनना चालू हो गया। तब से लेके वहाँ पे बेकिंग करने का एक स्मॉल स्केल बिजनेस हो गया जहाँ पे लोग घरों पे बेक करते थे और उसको रोड पे, वो बेक प्रोडक्ट को रोड पे सेल करते थे। और ये स्मॉल स्केल बिजनेस की आइडिया रोम तक नहीं रुकी, ये जर्मनी, लंदन एंड मेरी मोर यूरोपियन कंट्रीज तक जा पहुंची। और तब से लेके कंटिन्यूसली ये बिजनेस बढ़ते ही चला रहा है। तो चलो देखते हैं कन्फेक्शनरी होता क्या है। फूड प्रोडक्ट की आर्ट को कहा जाता है, फूड प्रोडक्ट की स्टाइल को कहा जाता है। ये ऐसा फूड प्रोडक्ट है जो स्वीट इन टेस्ट रहता है, मतलब जो मीठा रहता है। और ये प्रोडक्ट बनाया जाता है शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट से। ये कन्फेक्शनरी दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। एक कैटेगरी है बेकर्स कन्फेक्शन की तो दूसरी कैटेगरी है शुगर कन्फेक्शंस की। बेकर कन्फेक्शंस को फ्लावर कन्फेक्शन भी कहा जाता है जहाँ पे स्वीट पेस्ट्रीज, केक्स एंड कई तरह के सिमिलर बेक प्रोडक्ट हम देखते हैं। तो जनरली यहाँ पे फ्लावर एज अ मेजर इंग्रेडिएंट करके इस्तेमाल किया जाता है। तो सेकंड कैटेगरी आती है शुगर कन्फेक्शंस की जहाँ पे शुगर का मेजर इंग्रेडिएंट करके इस्तेमाल किया जाता है और कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जैसे कि कैंडीज हो गया, कैंडीड नट्स हो गया, चॉकलेट्स हो गया, च्युइंगम हो गया, बबल गम हो गया एंड मैनी मोर। तो आप देख सकते हो इस पिक्चर में मैंने चार तरह की कैटेगरीज बताई है। फर्स्ट है फ्लावर कन्फेक्शंस की, जैसे मैंने कहा फ्लावर कन्फेक्शंस मतलब जहाँ पे फ्लावर का एज अ मेजर इंग्रेडिएंट करके इस्तेमाल किया जाता है और प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। सेकंड कैटेगरी आती है शुगर कन्फेक्शंस की जहाँ पे शुगर का इस्तेमाल किया जाता है एज अ मेजर इंग्रेडिएंट एंड कैंडीज, चॉकलेट्स जैसे कई पदार्थ बनाए जाते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है चॉकलेट कन्फेक्शंस की जहाँ पे चॉकलेट का, कोको पाउडर का या फिर कोको चॉकलेट पाउडर का या फिर कोको पाउडर का इस्तेमाल करके चॉकलेट्स बनाए जाते हैं। एंड फोर्थ कैटेगरी आती है अदर कन्फेक्शंस की जहाँ पे शहद मतलब हनी का इस्तेमाल किया जाता है एज अ मेजर इंग्रेडिएंट और गुड़ मतलब जैगरी का इस्तेमाल किया जाता है एज अ मेजर इंग्रेडिएंट एंड प्रोडक्ट बनाए। कन्फेक्शन जैसे मैंने कहा कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट जिसमें शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है। तो जाहिर है पुराने समय में शुगर इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई थी तब वो लोग हनी का इस्तेमाल करते थे। पुराने टाइम में
चाइना, इंडिया, इजिप्त, ग्रीक, रोम जैसे कई सारी कंट्री हनी का इस्तेमाल उनके खाने में करते थे। किस लिए करते थे पता है? ताकि वो फ्रूट्स फ्लावर्स को कोट करे। और हनी का इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव करने के लिए किया जाता था। और तो वो लोग हनी का इस्तेमाल स्वीट मीट बनाने के लिए भी करते थे। 6th century BC and 4th century BC के बीच में पर्शियन लोग, ग्रीक लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए और तब से लेके उनको पता चला कि गन्ने की खेती कैसी की जाती है, उससे शक्कर कैसी बनाई जाती है और तब से लेके शक्कर का इस्तेमाल ये कन्फेक्शंस में किया जाता। तो चलो हम देखते हैं बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का डिफरेंस। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर में बेकरी के पॉइंट्स बताए और पर्पल कलर में कन्फेक्शनरी के पॉइंट्स बताए। तो सबसे पहले पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं। बेकरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम बेक प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो कन्फेक्शनरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्वीट प्रोडक्ट को सेल करते हैं। सेकंड पॉइंट में बताया है बेकरी ये एक एस्टैब्लिशमेंट को, एक व्यवसाय को कहा जाता है, तो कन्फेक्शनरी एक प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट को कहा जाता है। बेकरी रन होता है, बेकरी ऑपरेट होता है बेकर्स से, तो कन्फेक्शनरी ऑपरेट होता है कन्फेक्शनर से। फोर्थ पॉइंट कहता है कि बेकरी जहाँ पे स्वीट एंड सेवरी मतलब तीखे मीठे या फिर खट्टे ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो कन्फेक्शनरी में सिर्फ स्वीट प्रोडक्ट ही बनाए जाते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट है जहाँ पे बताया गया है कि बेकरी एज अ स्टेपल इंग्रेडिएंट होता है और डेजर्ट करके हम इस्तेमाल करते हैं, स्नैक्स करके हम इस्तेमाल करते हैं और कन्फेक्शनरी हम स्नैक्स एंड डेजर्ट करके ही इस्तेमाल किए करते हैं। तो ये हो गया उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो अब हम देखते हैं टूल्स एंड इक्विपमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। आप पूछोगे कि पुराने टाइम पे, आप तो बेकरी के बारे में बात कर रहे हो, तो पुराने टाइम पे ओवन कैसे होते थे, कैसे उसका ऑपरेशन था? तो चलो अभी मैं बता देती हूँ। तो आप देख सकते हो पहले पिक्चर में, सेकंड पिक्चर में और थर्ड पिक्चर में, जहाँ पे ओवन वो वुड फायर से चलता था। वुड फायर मतलब लकड़ी को जला के वो चलाते थे, ऑपरेट करते थे। तो सबसे पहले इमेज में आप देख सकते हो एक इंसान बेकरी का आटा भून रहा है, तो सेकंड इंसान उसको अंदर बेक कर रहा है, प्रोडक्ट को बेक कर रहा है। तो सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने ओवन का सिर्फ यह पिक्चर दिया है, जहाँ पे आप देख सकते हो नीचे ये ब्लैक है, वहाँ पे लकड़ी चलाने के लिए जगह है और ऊपर वो प्रोडक्ट बेक कर सकते हो। तो थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हो एक लेडी उसके घर में ही बेकरी प्रोडक्ट बेक करी है। तो ये हो गई पुराने टाइम की बात। तो चलो अभी देखते हैं नए ज़माने का ओवन। यहाँ नए ज़माने में दो तरह के ओवन है, कन्वेक्शन ओवन एंड सेकंड है स्टीम इंजेक्शन मॉडल। तो कन्वेक्शन ओवन होता क्या है? कन्वेक्शन ओवन जहाँ पे कन्वेक्शन हीट का इस्तेमाल करके ओवन को हीट किया जाता है, जहाँ पे प्रोडक्ट बेक करने के लिए कम टाइम और कम टेम्परेचर की ज़रूरत रहती है। जैसे कि अगर आपको केक बेक करना हो तो आपको 180 डिग्री सेल्सियस ही काफ़ी हो जाता है, वो भी जस्ट फॉर 25 मिनट्स। और तो और आप अगर स्टीम इंजेक्शन मॉडल का अगर इस्तेमाल कर रहे हो, तो जैसे कि नाम में ही बताया है स्टीम इंजेक्शन मतलब स्टीम का ज़्यादा इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को बनाया जाता है। जैसे कि आप ब्रेड्स बना सकते हो या फिर चिकन जैसे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जहाँ पे आपको क्रिस्पी क्रस्ट की ज़रूरत है, ऐसे प्रोडक्ट ये ओवन में बनाए जाते हैं। तो ये हो गए ओवन के बारे में। तो उसके अलावा हमें कौन कौन से टूल्स लगेंगे? तो 5 तरह के टूल्स लगते हैं। फर्स्ट कैटेगरी आती है मेजरिंग कैटेगरी, जिसपे आपको मेजरिंग टूल्स
दिखाई देंगे, जैसे कि मेजरिंग ग्लास हो गया, मेजरिंग मग हो गया, मेजरिंग स्पून हो गया, मेजरिंग कप हो गया, डिजिटल स्केल आ गई जहाँ पे आप इंग्रेडिएंट का मेजरिंग करते हैं। सेकंड कैटेगरी आती है मिक्सिंग कैटेगरी, जहाँ पे आप ऐसे टूल्स देखते हो जो मिक्सिंग करने के लिए बहुत फायदेशीर है, जैसे कि सीवो हो गया, स्ट्रेनर हो गया, विस्क हो गया, स्पैचुलास हो गया, देन पेस्ट्री ब्लेंडर रहता है, बाउल्स चाहिए, इलेक्ट्रिक और स्टैंड मिक्सर चाहिए। सो कई तरह के टूल्स जो हमें मिक्सिंग करने के लिए फायदेशीर रहता है, वो टूल्स हम ये सेकेंड कैटेगरी में देखते हैं। थर्ड कैटेगरी है फॉर्मिंग एंड पोशनिंग की, जहाँ पे आप आपके डो को या फिर आपके प्रोडक्ट को, रॉ प्रोडक्ट को, उसको एक फॉर्मेशन देते हैं, उसको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में उसका एक शेप बना देते हैं। तो ये सब करने के लिए जो आपको टूल्स लगेंगे, वो टूल्स आप फॉर्मिंग एंड पोशनिंग कैटेगरी में देखेंगे, जैसे कि आपके रोलिंग पिन हो गया, मतलब बेलन, देन बेंच और डो स्क्रैपर, फिर कुकीज़ कटर, बिस्किट कटर्स एंड एक्सेट्रा। तो चलो फोर्थ कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। फोर्थ कैटेगरी बेकिंग कैटेगरी, जहाँ पे एक्चुअल बेकिंग करते टाइम जो कोई भी इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो टूल्स ये बेकिंग कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि बेकवेयर हो गया, मतलब बेकिंग शीट, बेकिंग पैन, पाई पैन, राउंड पैंस, केक पैंस, मफिन्स, देन सिलिकॉन बेकिंग मैट रहता है, केक टीजर रहता है, टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर चाहिए, टाइम लगाने के लिए टाइमर चाहिए, ये सब टूल्स बेकिंग के अंडर आते हैं। तो हमारी लास्ट कैटेगरी है फिनिशिंग एंड कूलिंग की, जिसमें आप प्रोडक्ट को कूल करने के लिए, रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं, उसका टूल्स ये कैटेगरी में देखते हैं। और सेकंड मतलब आप जो प्रोडक्ट को फिनिशिंग देने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं, वो टूल्स भी इसी कैटेगरी में देखे जाते हैं, जैसे कि बेकिंग रैक हो गया, पैलेट नाइफ हो गया, स्पैचुलास हो गया, पाइपिंग बैग्स हो गया, नोजल्स हो गया एंड सो ऑन। तो ये सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जनरली बेकरी एंड कन्फेक्शनरी के लिए फायदेशीर रहते हैं। आई होप सो आज का ये मेरा वीडियो बताया होगा। तो ऐसा ही मैं दूसरा मेरा वीडियो लेके आऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी साइंस बिहाइंड द बेकिंग एंड द कॉमन इंग्रेडिएंट यूज्ड इन बेकिंग। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फूड ट्रेजर बाय शेफ मधुला। टिल द टाइम बाय।